वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, ठीक है, जो कि बॉटनी का है। ठीक है, क्या बॉटनी का, और आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए हम यहां पर क्वेश्चन, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया कि ब्रायोफाइटा को जाना था, उसके जो मुख्य लक्षण थे उसको हमने पढ़ा था, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया था उसको पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण दीजिए, क्या करना है, ब्रायोफाइटा के जनरल करेक्टर लिखना है हमको। आपको कह रहा है ब्रायोफाइटा एवं शैवालों में क्या समानताएं हैं, ये भी लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण, क्या लिखना है, ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण। उसके बाद कह रहा है ब्रायोफाइटा एवं शैवाल में क्या समानताएं हैं, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइटा कह रहा है ब्रायोफाइटा में सामान्यतः निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं ये हमें एक एक करके बताना पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट करेक्टर क्या है, कह रहा है ब्रायोफाइट्स नमी तथा छाया वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे काई आई आपने देखा होगा, काई लीवरवर्ट, जो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जो नम स्थानों पर मोस्टली पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। ठीक है, मगर इसमें जड़ तना पत्ती तीनों अलग अलग नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना। ये हरे रंग के पौधे होते हैं, जड़ पत्ती तीनों विभाजित नहीं होते, क्या जड़ पत्ती एवं तना तनों में विभाजित नहीं होते हैं, एवं इनका सूखा यकृत के आकार का होता है, इसलिए इन्हें लीवर वर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनका सूकार या इनका थैलस, इनके अंदर जो एक गुहा टाइप होती है जो बना होता है, इस तरह से मान लो ये कोई वृक्ष है, इसका जो थैलस होगा, ठीक है, सूखा है या गुहा, तो वो किसके समान होता है, आपका लीवर के समान होता है, इसी कारण इनको क्या कहते थे, लीवर वर्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड करेक्टर। ठीक है, जनरल करेक्टर थर्ड है आपका, थर्ड कह रहा है मुख्य पौधा गैमिटोफाइट होता है, यानी कि इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, गैमिटोफाइट कहते हैं। फोर्थ कह रहा है पौधा जमीन से राइजाइड द्वारा जुड़ा रहता है, राइजाइड पानी के अवशोषण तथा पौधों को जमीन से चिपकाने का कार्य करते हैं। जो राइजाइड्स होते हैं, मान लो ये क्या है आपका, कुछ इस तरह से पौधा बना हुआ है, इसके नीचे कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, उसको जमीन से चिपकाए रखती हैं, उसी को हम कहते हैं राइजाइड। ठीक है, इनका काम क्या होता है, पानी का अवशोषण करना और उसको सतह से चिपकाए रखना। ठीक है, फिफ्थ कह रहा है आंतरिक संरचना में संवाहक ऊतक यानी कि वैस्कुलर बंडल, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, का अभाव होता है। ठीक है, इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम का कार्य क्या होता है, वाटर को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का क्या कार्य क्या होता है, जो फूड बनता है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, तो ये इनमें ब्रायोफाइट्स में ये नहीं पाए जाते हैं अपने। ठीक है, सिक्स कह रहा है ब्रायोफाइट्स में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन लिंगी क्या होता है, सेक्सुअल तथा कायिक वेजिटेटिव तरह का होता है। ब्रायोफाइट में जनन दो तरह का होता है, कौन सा होगा आपका, लिंगी यानी कि सेक्सुअल, दूसरा कौन सा होगा आपका, कायिक, क्या होगा, कायिक वेजिटेटिव, दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट कह रहा है निषेचन के लिए पानी आवश्यक होता है, इसमें पानी की आवश्यकता होती है, किसके लिए, निषेचन के लिए, ये आपको याद रखना है। थर्ड कह रहा है निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जो स्पोरोफाइट की प्रथम अवस्था है, जब पहले निषेचन होता है उसके बाद क्या बनता है आपका, जाइगोट बनता है, ये युग्मनज बनता है, जो क्या करता है, स्पोरोफाइट की प्रथम अवस्था है। ठीक है, उसके बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है स्पोरोफाइट फुट सीटा तथा कैप्सूल में विभाजित होता है, अभी आपने पढ़ा था ना करेक्टर में, क्या पढ़ा था, फुट होता है और सीटा होता है और क्या होता है आपका, कैप्सूल होता है। ठीक है, तो ये तीन भागों में बटा रहता है आपका, कौन सा, स्पोरोफाइट। ठीक है, तीन भागों में बटा रहता है, फुट सीटा और कैप्सूल। टेन क्या है आपका, कह रहा है कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, क्या बनता है कैप्सूल में, स्पोर बनते हैं जो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, गैमिटोफाइट अवस्था बनाते हैं,
कैप्सूल में क्या बनता है, स्पोर बनता है जो अंकुरित होकर या जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट अवस्था बनाते हैं। तो ये तो हो गए इनके जनरल करेक्टर, ठीक है, जी और सी जनरल करेक्टर। अब हमें क्या करना है, ब्रायोफाइट की शैवाल से समानताएं बतानी कि ब्रायोफाइट और शैवाल में ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं दो जो दोनों में समान होते हैं या दोनों एक दूसरे से किस तरह से समान है, ठीक है, ये हमें बताना है। नंबर एक, पादप शरीर कैसा होता है, गैमेटोफाइटिक तथा थैलाइड होता है, दोनों में गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और दोनों की बॉडी कैसी होती है, थैलाइड होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है वैस्कुलर टिश्यू अनुपस्थित होते हैं दोनों में, ठीक है, किसमें, ब्रायोफाइटा में और शैवाल में, ठीक है, एल्गी। तो इन दोनों में आपका वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं वो इनमें अब्सेंट होते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये भी इनमें क्या होती है, एक समानता होती है। थर्ड कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और बी कैरोटीनॉइड तथा ल्यूटिन आदि पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा और साथ ही क्या होगा, कैरेटिनॉइड तथा ल्यूटिन आदि पिगमेंट इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए और बी, इनको क्या करते हैं, कलर देते हैं, कलर देते हैं, ठीक है, कलर देने का काम करते हैं। फोर्थ कह रहा है रूट सिस्टम का अभाव होता है, इनमें रूट सिस्टम नहीं पाया जाता है यानी कि जड़ तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है, जड़ तंत्र यानी कि इनमें जड़ें जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं दोनों में, ठीक है, किसमें, एल्गी में और आपका ब्रायोफाइट में, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है फ्लैजिला युक्त एंथ्रोजॉयड पाया जाता है, फ्लैजिला मान लो ये कोई आपका क्या है, शैवाल है या ये आपका क्या है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट, ठीक है। तो शैवाल क्या होते हैं, धागे समान संरचनाएं होती है, पतली संरचनाएं होती हैं जो उसको क्या करती हैं, धकेलने का काम करती है या गति करने का काम करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है, थीके? ये गति करने में सहायक होते हैं, किसमें, गति करने में सहायक होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, एंथेरोजॉइट्स पर, एंथेरोजॉइट्स पाया जाता है। सिक्स कह रहा है एल्गल फिलामेंट की संरचना के समान प्रोटोनीमा पाया जाता है, किसकी समान, एल्गल फिलामेंट की तरह क्या पाया जाता है, इसमें एक प्रोटोनीमा पाया जाता है, ठीक है। सेवन कह रहा है स्टार्च के रूप में भोजन संचित रहता है, इन दोनों में जो भोजन होता है, किसमें, ब्रायोफाइटा में और एल्गी में, जो भोजन स्टोर होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में इनमें स्टोर फूड होता है। एट कह रहा है सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इनकी जो बाह्य भित्ति होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, किसकी, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसकी, दोनों की, ब्रायोफाइट की और आपके एल्गी की। नाइन्थ कह रहा है हरे शैवाल एवं एंथोसिरोटेल्स दोनों में पायरीनॉइड पाए जाते हैं, ये आपको नाइन्थ वाली लाइन याद रखना है, जो आपके हरे शैवाल होते हैं एवं आपके क्या होते हैं, एंथोसिरोटेल्स, इन दोनों में आपका क्या पाया जाता है, पायरीनॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इन दोनों में समानताएं और इनके कुछ सामान्य लक्षण समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मैटर चाहिए तो इसकी एक साइट है www.paperhacker.in पर जाकर आप किसी भी तरह का वीडियो, वीडियो के जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको बना दिया गया है, जितनी वीडियोज हैं उनका प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे यहाँ से आपको, नोट्स मिल जाएंगे यहाँ से आपको, सभी वीडियो का PDF फॉर्म मिल जाएगा यहाँ से आपको, कुछ भी चीज़ आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।